आदाब सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई डॉक्टर यज्ञानी जी के आर सोशल मीडिया गरीब कल्याण रणनीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज ग्वालपोखर वन के कुछ नेताओं का झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हाजिरी खिदमत आया हूं। आखिर ये लोग ग्वालपोखर के आवाम को समझा क्या है? आखिर ये नेता ग्वालपोखर के पब्लिक को समझ क्या रखा है? ये लोग तकरीबन दो इलेक्शन से ग्वालपोखर के आवाम को इस्तेमाल किया है और इस्तेमाल इस एतबार से किया है, डरा के धमका के राजनीति की है। ये डराने और धमकाने की राजनीति अभी भी जारी और सारी है, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि ग्वालपोखर के आवाम अब डरने वाले नहीं है। ग्वालपोखर के आवाम अब डरने वाले नहीं है, ग्वालपोखर के पब्लिक अब डरने वाले नहीं है, ग्वालपोखर के आवाम अब जाग चुके हैं। फिर भी ये लोग धड़ल्ले के साथ अब झूठ का सहारा लेते हैं और धड़ल्ले से पब्लिक मीटिंग में झूठ पे झूठ बोलते आ रहे हैं। आप सोचते होंगे कौन सी झूठ, कैसा झूठ, कहाँ झूठ बोले, तो आइए खबर के तरफ लौटिए। उससे पहले अगर मेरे वीडियो को आज आप पहली मर्तबा देख रहे हैं तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब जरूर कर दें, जी के आर सोशल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर आप तक पहली फुर्सत में पहुंच जाए, और लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अच्छा लगे या कोई आपका राय मशवरा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आइए खबर की तरफ लौटते हैं। मैं आज झूठ का पर्दाफाश करने के लिए बैठा हूँ, मेरी कोशिश रहती है। इससे पहले भी मैं कुछ झूठों का पर्दाफाश किया हूँ, मेरे जीकेआर सोशल मीडिया चैनल में जाएंगे तो आपको मिले खबर मिलेगी। आज के डेट में ग्वालपोखर वन के मैं कुछ नेता पब्लिक मीटिंग में जाकर धड़ल्ले के साथ झूठ बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा हम तक नहीं पहुंच रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा बंगाल गवर्नमेंट को नहीं पहुंच रहा, नहीं दे रहा, ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ। ग्वालपोखर वन के नेता माइक में पब्लिक मीटिंग में धड़ल्ले के साथ बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा बंगाल गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा, पैसा बंद कर दिया, गली गली कोची कोची नगर नगर डगर डगर ये लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, गांव देहात में जाके गली गली कोची कोची में लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, धिक्कार मिसिल निकाल रहे हैं। ये धोखा है ग्वालपोखर के आवाम के साथ। ये लोग का मिशन यह है कि उसके नाम से इनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये इशू बना करके लोगों के घर घर पहुंचने का एक रास्ता निकाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा आवाम तक कैसे हम पहुंचे, किसके जरिए, डायरेक्टली आवाम तक ये पहुंच नहीं सकते। ये जितनी तरक्की की बात कर लें आवाम इससे दूर हो चुके हैं, आप देखते होंगे सोशल मीडिया के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए कि ग्वालपोखर के पब्लिक कोसों दूर इनसे हो गए, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं हथियार अपनाया। हथियार क्या कि दीदी का दूध बन करके गए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं सुरक्षा कवरेज के नाम पे लोग आवाम के साथ में गए, फिर उसके बाद क्या कहते द्वारे सरकार के नाम से उन लोगों ने आवाम तक पहुंचा, सब में फेलवर हो गए, सब में फेल नजर आया और फेल भी हो गए। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम को लेकर के आप आवाम तक पहुंच रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे नेता से, मैं पूछना चाहता हूं ऐसा लीडर से, अरे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा बंद कर दिया, ये आपकी भाषा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये लीडर लोग बोल रहे हैं कि सौतेला व्यवहार कर रहे हैं बंगाल गवर्नमेंट के साथ, ये इनका कहना। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि अदर स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देते हैं लेकिन बंगाल को नहीं। क्यों भाई, अदर स्टेट को देते हैं इन्हीं के भाषा में, ये खुद बोल रहे हैं कि अदर स्टेट को दे रहे हैं लेकिन बंगाल को जो है बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, बंगाल गवर्नमेंट को जो है क्या कर सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा एक भी नहीं आता, आखिर क्या वजह, इसको समझना पड़ेगा, ये क्यों नहीं दे रहे हैं, कुछ तो कारण है, कुछ तो वजह है, बाकी स्टेट को दे रहे बंगाल को क्यों नहीं दे रहे हैं?
आइए, ये चीज वो लोग नहीं बताएंगे। आपने देखा होगा पीएमएवाई का जो है योजना, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का एक स्कीम आया था। ये स्कीम गरीबों का स्कीम था, ये याद आ गया ना दोस्तों, ये गरीबों का स्कीम था। क्या ये स्कीम था? घर का स्कीम, आवास योजना। तो यहां सबको अपना अपना फार्म भरे, डॉक्यूमेंट्स दिया, फार्म में नाम लिखवाए और नाम भी पास होकर के पेपर आउट हुआ। विडंबना देखिए, जब लिस्ट आता है पीएमवाई का, प्रधानमंत्री आवास योजना का लिस्ट आता है, उस लिस्ट को देख करके, जिसके रहने का एक घर नहीं है, अगर घर है तो उसका एक टीना का छत नहीं है, मायूस होकर बैठ जाते हैं ये लिस्ट देखकर, सर पकड़ के बैठ जाते हैं ये लिस्ट देखकर। आखिर वजह क्या, क्यों सर पकड़ के बैठे, क्यों हिम्मत हार गया गरीब लिस्ट देखने के बाद? आइए, हिम्मत हारने की वजह एक बताता हूं। आपने भी देखा, आपने अपने कानों से सुना होगा, जब लिस्ट हमने देखा, मैं अपने गांव की बात करता हूं दोस्तों, बाकी ऐसा हाल पूरे इलाका में है, पूरे बंगाल में, और बहुत हंगामा भी हुआ, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मेरे गांव का लिस्ट जब मैंने देखा तो मैं देख करके शर्म से चूर चूर हो गया, हाय अफसोस, ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं ये लोग गरीब के साथ, दिन रात गरीब का रोना रोते हैं और गरीब के साथ इतनी धोखाधड़ी, ये कब तक चलेगा, ये कब तक ग्वाल पोखर के आवाम बर्दाश्त करेंगे? अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने लोगों का कान खोल दिया, लोगों को गफलत की नींद से बेदार होकर के खड़ा करवा दिया कि अब हम डरने वाले नहीं है, अब झुकने वाले नहीं है। क्यों भाई? कि लिस्ट देखा, मैंने भी लिस्ट देखा, एक देखिए लिस्ट मेरे पास है, ये लिस्ट है मेरे पास, मैंने नाम सब जो है सेटिंग करके रखा हूं, आप भी देख लीजिएगा। हमारे इब्राहिमपुर वार्ड के बारे में बोल रहा हूं, पांजीपरा अंचल इब्राहिमपुर के बारे में बात कर रहा हूं दोस्तों, और अपने वार्ड का आप भी चेक करवा लीजिएगा, यहां गरीब कौन है, सबसे बड़ा गरीब कौन है, जिसका हेडलाइंस में लिस्ट में पहले इसमें नाम है उसका। यहां के टीएमसी का मेंबर सबसे ज्यादा गरीब हो ही सकता, वो टीएमसी का मेंबर जो अंचल कमेटी में एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है, उसका नाम लिस्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना में। चलो भाई, एक आदमी का हो ही सकता, उसकी बीवी का नाम है, उसका बेटे का नाम है, उसका भतीजे का नाम है, इन्हें पूरे खानदान का किसी का नाम छोड़ा नहीं, इन्हें 99% नाम देने में कामयाब होगा, लिस्ट में नाम आया भी। और जो गरीब है, जो घर के लायक है, घर का हकदार है, वो उसका लिस्ट तक दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अब सोच सकते हैं, ऐसे ही हाल पूरे ग्वालपोखर वन का, पूरे उत्तर दिनाजपुर का, पूरे बंगाल का है। तो आप बताइए, हंगामा होगा कि नहीं होगा? लोगों में तानाकाशी होगी कि नहीं होगी? और हुआ भी, इतना हंगामा हुआ, यहां तक क्या प्रधान के पास लोगों ने हंगामा किया, ब्लॉक में जाकर के वीडियो के पास हंगामा किया, जहां जहां जिसको नजर आया वहां जाकर के जो है आवाज को बुलंद किया। ये आवाज बुलंद करना था, बात सेंटर गवर्नमेंट तक पहुंची कि प्रधानमंत्री आवास योजना का गलत यूज हो रहा बंगाल में। क्या गलत यूज हो रहा भाई? कि यहां के नेता, यहां के लीडर्स, यहां के वर्कर्स जो लिस्ट लिखाने गए थे, दो मंजिला में रहते हैं वो, एक मंजिला बिल्डिंग में रहते हैं, पहले लिस्ट में उसका नाम लिखवा दिया, वो खुद लिस्ट बनाने गए लेकिन पहला घर अपना दिया, अपने वाइफ का, अपने भाई का, अपने बेटे का, इन्हें जहां तक कोशिश रही, जहां तक मुमकिन हुआ, उन्होंने किया। ये पैसा आएगा कि बंद होगा, आप सोचिए, आप फैसला खुद कीजिए। मजबूर किसने किया? सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा रुकाने में और ना लाने में मजबूर किसने किया सेंट्रल गवर्नमेंट को? सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना था, गरीब योजना था, वो प्रधानमंत्री आवास योजना का हकदार गरीब होते हैं,
गरीब के लिए योजना बनाया गया था कि जिसका घर नहीं उसका घर बन जाए, और आप दो मंजिला में रहते हो, भाड़े अपना घर बना के भाड़े में देते हो, और उस पर जो आपका नाम लिस्ट में, आम पब्लिक का नहीं है, ये टीएमसी का नेता, जिसको अपने आप को नेता बोलते हैं, अपने आप को मेंबर, इलेक्शन फाइट करने में 30-30 लाख 20-20 लाख रुपए खर्च करने वाले मेंबर, वो पीएमवाई लिस्ट में उसका नाम पहले नंबर पे। तो पैसा बंद नहीं होगा तो क्या होगा? अभी तक ये लोगों ने लिस्ट सही नहीं किया, ये है कारण। कारण और दूसरा भी है, इन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम का नाम बदल करके बंगाल गवर्नमेंट के नाम से सब कुछ पेश किया है। तो रे भाई, तुम मेड इन इंडिया का लेबल को हटा करके अगर मेड इन कोई अदर देश का नाम लिखोगे तो चलेगा थोड़ी ना, कंपनी उसको देंगे आप तक पहुंचाएंगे, कंपनी बंद कर देगा, बैन कर देगा। यही हाल हुआ बंगाल गवर्नमेंट का, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम इन लोगों ने पहले ला करके पहला ये काम किया कि पहले स्कीम का नाम बदला जाए। ये नाम बदलना छोड़ो, फिर स्कीम का इंतजार करो, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसे का इंतजार करो, ये नाम बदलने की आदत छोड़ लीजिए आप लोग। एक साहब हमारे जनाबे वाला कल पांजीपरा में क्या कहते हैं ये ज्वाइनिंग सभा में तशरीफ लाए थे। जनाबे वाला की उम्र नहीं है झूठ बोलने की, हालांकि झूठ किसी को नहीं बोलना चाहिए। इसने माइक में पब्लिक मीटिंग में धड़ल्ले से कहा और चैलेंज के साथ कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम बंगाल में नहीं आया। क्या कहा उसने? कि कोई भी स्कीम बंगाल गवर्नमेंट को नहीं मिला, अगर है तो दिखाइए आप, ये मीडिया वाले को बोल है तो दिखाइए तब मैं मान जाऊंगा। ये जनाबे वाला को पता ही नहीं है, यही झूठ बोल बोल करके पहले जिस पार्टी में उस पार्टी का बर्बाद कर दिया, उसका क्षत्यानाश कर दिया, अब वो टीएमसी में, और यहां भी झूठ की राजनीति शुरू कर दिया। मैं उसका अदब करता हूं, मैं उसका सम्मान करता हूं, वो हमारे सीनियर हैं, लेकिन जहां झूठ की बात आएगी हम सीनियर जूनियर नहीं देखते, झूठ झूठ है। इसने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम कुछ नहीं आया, ये गलत है। जनाबे वाला सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम, ये पीएमवाई प्रधानमंत्री आवास योजना किसका स्कीम है, ये किसका योजना है? ये शौचालय योजना, जहां जहां लाखों रुपए आप लोग जो गबन कर चुके हैं, लाखों रुपए का धंधली कर चुके हैं, लाखों रुपए की जो कमीशन खोरी खा चुके हैं आप लोग, वो किसका स्कीम था? ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो स्कीम है, ये जो शौचालय आप दे रहे हैं, हजार हजार रुपए ले रहे हैं, 12,000 का स्कीम है, आप 7,000-6,000 का जो लेटरिन रूम पखाना घर बना रहे, ये किसका स्कीम है भाई साहब? जनाबे वाला कुछ तो ख्याल रखिए, कुछ तो समझ रखिए, इतना भी अंधा मत हो जाइए। ग्वाल पोखर के अवाम इतना अंधा नहीं है, अंधेरे में रखे थे जरूर लेकिन अंधा नहीं थे लोग, अब अंधेरे से बाहर आ गए, सबको दिख रहा है कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। और उसके साथ साथ एक स्कीम और है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, इन्हें पीएम पोषण योजना, किसका योजना है? सेंट्रल गवर्नमेंट का कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का? और पूरे स्कूलों में, अक्सर स्कूलों में जो है दीवारों में लिखी हुई है, मैं सबूत के तौर पर आपको दिखाता हूं, वीडियो में देखिए आप। इन जनाबे वालों से कौन बात करे, कौन समझाए इनको? इसने चैलेंज के साथ पांजीपरा ज्वाइनिंग सभा में आकर के चैलेंज कर दिया कि कोई स्कीम है तो दिखाइए। तो देखिए स्कीम, बहुत सारे स्कीम है, लेकिन फिर उसका नेक्स्ट वीडियो में टोटल स्कीम के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत आऊंगा। मेरा बोलने का मकसद यह है कि आज के दौर में लोगों को बेवकूफ मत समझिए, लोग जागरूक हैं और जाग गए हैं। ग्वालपोखर के आवाम आप अंधेरे में नहीं है, उजाले में आ गए, कुछ तो ख्याल कीजिए। ये लोग जो जरूरी बात उस बातों को नहीं लेंगे, ये दो ही बात रख के रखे हैं, लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, रूपोश्री, एजुकेशन कहां भाई? दिन ब दिन स्कूल बनते होते जा रहा, बंद होते जा रहा, इसके बारे में आवाज क्यों नहीं उठा रहे आप? आपकी गवर्नमेंट, आपका सरकार है,
WBCS में जो है उर्दू का जो है एकदम पूरा चैप्टर ही खत्म करवा दिया, इसमें आवाज कौन उठाएंगे। बड़ा अफसोस के साथ ये बात हमको बोलने पर मजबूर होना पड़ रहा, और इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आऊंगा कि WBCS क्या है। लेकिन सरसरी तौर पर यह समझ लीजिए कि WBCS में उर्दू को जो है खत्म करवा दिया। किसने खत्म किया? कि बंगाल गवर्नमेंट, ममता बनर्जी के सरकार ने। और ये लोग तरक्की की बात करते हैं, उन्नयन की बात करते हैं, एजुकेशन को जीरो में लेकर जा रहे हैं। आप ठेकेदार बन के बैठे हैं, आप ममता बनर्जी की गीत गाते हैं, अभिषेक बनर्जी के गीत गाते थकते नहीं है, लेकिन WBCS से जो उर्दू खत्म कर दिया, इसकी आवाज कौन उठाएंगे, ये आवाज उस तक कौन पहुंचाएंगे। कुछ तो ख्याल कीजिए आने वाली नस्लों के लिए, कुछ तो रहम खाइए आने वाली नस्लों के लिए। आज आपके हाथ में पावर है, पावर का गलत इस्तेमाल मत कीजिए भाई साहब। आने वाला कल पावर फिर किसी के हाथ में जा सकता है, वो याद रखिएगा वो दिन। पावर में मत चूर हो जाइए, पावर में मत तानाशाह बन जाइए। ये तानाशाह जितने भी आए दुनिया में चले गए, उसका हश्र क्या हुआ दुनिया ने देखा, आपने भी देखा, आपने भी सुना होगा। इतना तानाशाह मत बनिए, यह हुकूमत है, आज है कल नहीं, आज इसकी है तो कल उसकी है। हुकूमत आती रहेगी, बदलते रहेगी, लेकिन अपने को मत गिराइए, इतना भी मत गिराइए। कुछ हक की आवाज उठाइए, उर्दू के लिए आवाज उठाइए। मैं चैलेंज के साथ बोलना चाहूंगा GKR सोशल मीडिया के जरिए, एक भी क्लिप, एक भी वीडियो इन लोगों का दिखा दीजिए कि उर्दू के बारे में कहीं बोला हो। क्यों बोलेंगे, क्या जरूरत है इनको, ये तो अपना धड़ल्ले के साथ जो करना था कर लिए, करोड़ों का घर बना लिए, करोड़ों की बिजनेस कर लिए, अब इनको क्या चाहिए। इनके आने वाली नस्ल बैठ बैठ कर खा सकते हैं। सोचना आप और हमको है, आम पब्लिक को सोचना है, अवाम को सोचना, ग्वाल पोहर की ये लोग कहां लेके जा रहे हैं ग्वाल पोहर के अवाम को। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हवा हवाई में मत जाइए, इनके भाषणों पर मत जाइए, इनकी सच्चाई को देखिए, इनके झूठ को पकड़िए, ये कहां तक झूठ बोल रहे हैं, कहां तक सच बोलते हैं। पावर में रह करके झूठ भी एक हद होती है। हम पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं करते, हम अपने ग्वाल पोहर की बात करते हैं। हमारा ग्वाल पोहर ठीक तो पूरा हिंदुस्तान ठीक, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि पहले घर को ठीक कीजिए। हम अगर ठीक हो गए तो पूरे हिंदुस्तान क्या आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे फिर उस जगह ठीक करने के लिए, ये हमारी कोशिश रहती है। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के दौर में ताली मत बजाइए, जिसको हम थपरी बोलते हैं, थपरी मत बजाइए। पहले सुनिए, समझिए वो क्या बोलना चाहता है, अब बोल रहा तो कितना झूठ कितना सच बोल रहा है। ये झूठ बात पे ताली बजा बजा कर इन लोगों की हिम्मत बढ़ गई है, अब उसको खत्म कीजिए। कल तक ये बोल रहे थे, आपने भी सुना होगा कि विरोधी शून्य है, जीरो है, ग्वाल पोखर में विरोधी है ही नहीं। आज फिर क्यों डर हो रहा है भाई साहब, आज क्यों डर सता रहा विरोधी का, नाम ले लेकर के बोलते हैं पब्लिक मीटिंग में, बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, क्यों डर सता रहा आपको। ये लोग भी जान गए हैं कि विरोधी जाग गए हैं, अवाम जाग गए हैं, विरोधी का एक एक खंभा तैयार हो चुका है। अब नहीं चलेगी मनमानी, अब नहीं चलेगी तानाशाही, अब नहीं चलेगी झूठ की राजनीति, ये सब बंद कीजिए। आइए इलेक्शन में एक सच्चे नेता के तौर पर, इलेक्शन में आइए, आने के बाद इलेक्शन लड़िए और देखिए फिर रिजल्ट, रिजल्ट के बाद ही आपको एहसास होगा सच क्या है झूठ क्या है। लेकिन ईमानदारी से इलेक्शन हो, जी हाँ ईमानदारी से इलेक्शन हो। अगर ईमानदारी से इलेक्शन हुआ बंगाल में तो सच का सच झूठ का झूठ पूरा क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंतजार कीजिए इलेक्शन डिक्लेयर होने तक, तब तक के लिए इजाजत दिए डॉक्टर इजदानी जी का सोशल मीडिया को, खुदा हाफिज़, जय हिंद।